एक हिंदू यूट्यूबर कुड़ी पंजाब दे बारे ते पंजाबियों दे बारे कुछ कह रही है, झूठ कह रही है या सच कह रही है, अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। खैर पहलो ते आपां वीडियो देख लेने आ, फिर करते हैं गलबात। गो आज पंजाब में लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। यस, लोग लिटरली रास्ते में ज़ॉम्बीज की तरह फ्रीज हो जा रहे हैं, हिल ही नहीं पा रहे हैं। आज पंजाब में आपको कई यंग लड़के लड़कियां बॉडी में ओपनली ड्रग्स इंजेक्ट करते हुए दिख जाएंगे। और आज पंजाब से कई सारे बहुत ही विभत्स किस्से भी सामने आ रहे हैं। जैसे ये लड़की जो लुधियाना की 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट है, इसे ड्रग्स की इतनी ज्यादा लत लग गई कि ड्रग्स के पैसे जमा करने के लिए उसने प्रोस्टिट्यूशन करना शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस के तो एक कांस्टेबल को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो ड्यूटी के बाद गोल्ड चेन की स्नैचिंग करता था, चोरी करता था। जानते हो क्यों? क्योंकि उस चोरी के पैसों से वो ड्रग्स खरीदता था, वो एक ड्रग एडिक्ट बन चुका था। पंजाब के जलंधर में तो एक आदमी ने अपनी वाइफ, दो बच्चों को और इन-लॉज को जला दिया। वजह? उन्होंने उस आदमी को ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। आज पंजाब के हर दूसरे गली नुक्कड़ में आपको ड्रग्स भी ऐसे ही खुले में बिकते हुए दिख जाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? ये इतने एक्सपेंसिव ड्रग्स इनको इतने सस्ते में कैसे मिल रहे हैं? डेफिनेटली यहाँ इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। वरना ऐसा क्यों है कि ये ड्रग्स इंडिया में इतनी अजीब तरीकों से लिटरली बॉर्डर के उस पार फेंके जा रहे हैं? Now you can see that how they have created that cavity inside a truck. आज पंजाब में हर सात में से एक बंदा एडिक्ट बन चुका है। और ये मत समझना कि ये एडिक्ट्स पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 89% ड्रग एडिक्ट्स लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। और उनमें से भी 83% लोगों के पास तो जॉब भी है। सोचो, ये हालत है पंजाब के फ्यूचर की, देश के फ्यूचर की। और इसीलिए मेरा आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ड्रग कंसाइनमेंट्स पंजाब की हाईली सिक्योर्ड बॉर्डर्स से क्रॉस करके एकदम आसानी से इंडिया कैसे पहुंचते हैं, इन्हें कौन पहुंचाता है, आखिर क्यों पंजाब के युवाओं को इस ड्रग्स के दलदल में ढकेला जा रहा है, यूथ की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, एंड फाइनली हमारे पास प्रूफ्स है कि डेफिनेटली ये एक बड़ी साजिश है इंडिया के कुछ दुश्मनों की, जिनका प्लान अगर सक्सेसफुल हो गया ना तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, इस बीमारी की सजा पूरा देश बिकते। सबसे पहले ये जानने से शुरुआत करते हैं कि पंजाब में कौन से ड्रग्स बिकते हैं। देखो, मोस्टली तीन टाइप्स के नारकोटिक्स पंजाब में कॉमन है। एक से वहां लोकली चिट्टा बोलते हैं, दूसरा जिसे फुक्की बोलते हैं। वैसे ये दोनों भी ड्रग्स काफी महंगे होते हैं, इसका सिर्फ 1 ग्राम 2500 रुपए का आता है। पर यहाँ पंजाब के अंदर इसे 1 ग्राम से भी कम क्वांटिटी का सिर्फ 400-500 रुपए में बेचते हैं। कितना है? तीसरा है सिंथेटिक ड्रग्स, जिसे वहाँ पे सिग्नेचर कैप्सूल्स या फिर घोड़े वाले कैप्सूल्स, जो बेसिकली ये फार्मास्यूटिकली प्रोड्यूस जो ड्रग्स होते हैं ना, वही होते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं। ये ड्रग्स वहाँ पे 100-100 रुपए में 10-10 रुपए के पन्नियों में तक बिक जाते हैं। अब इन ड्रग्स का सोर्स क्या है? पंजाब में इस ड्रग्स का सप्लाई चेन शुरू होता है गोल्डन क्रिसेंट से। ये एरिया आप जो देख रहे हो ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इसे कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट। यहाँ ईरान और अफगानिस्तान में चिट्टा और फुक्की प्रोड्यूस होता है, जिसे फिर पाकिस्तानी डीलर्स, जो बाय द वे ISI द्वारा बैक्ड होते हैं, इन ड्रग को प्रोक्योर करके पंजाब में सप्लाई करते हैं। पंजाब में ये पूरा कंसाइनमेंट बॉर्डर एरिया के थ्रू पहुंचता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। तो फिरोजपुर, तरन तारण, गुरदासपुर, ऐसे टोटल में 5 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है इस पूरे ड्रग ट्रेड का। 4 डिस्ट्रिक्ट इस पूरे ड्रग ट्रेड के एंट्री पॉइंट है। अब जाहिर सी बात है, हमारे बॉर्डर तो हाईली सिक्योर है, लेकिन फिर भी ये चीजें बिल्कुल आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर लेती है। और इसके लिए उन्होंने कुछ 6 स्मगलिंग टेक्निक्स डेवलप कर रखी है, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टेक्निक है पैकेट थ्रोइंग। बेसिकली इसमें शर्ट या फिर सलवार के स्लीव्स यूज होते हैं, जिसमें ड्रग्स भर के एक साइड से बांध कर स्मगलर्स पाकिस्तान के साइड से इंडिया में इन्हें घुमा के स्विंग करके फेंक देते हैं इन पैकेट्स को। ये शर्ट का स्लीव है, इसमें एक तरफ से गांठ लगाया हुआ है और दूसरी तरफ से ये पकड़ने के लिए और इसको एलिवेशन देने के लिए, घुमाने के लिए, जिससे कि दूर से दूर इसे फेंका जाए। दूसरी टेक्निक है ड्रोन डिलीवरी। ये लोग कुछ इस तरीके से ड्रोन्स पे ड्रग्स लगाकर उसे पाकिस्तान से इंडिया में लैंड करवा देते हैं। हर एक ड्रोन मिनिमम 3 किलो ड्रग्स डिलीवर करता है। और ये ड्रोन डिलीवरीज आज इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ पिछले ही साल 250 ड्रोन्स को पंजाब बॉर्डर्स पे पकड़ा गया था।
तीसरी टेक्निक है प्लास्टिक पाइप्स। सो आप सब जानते हैं कि बॉर्डर्स पे इलेक्ट्रिकल फेंसिंग होती है, अब इसे बाईपास करने के लिए स्मगलर्स प्लास्टिक के पाइप्स यूज करते हैं जिनको वो कुछ ऐसे फेंसिंग के आर पार भेज के उसके अंदर से ड्रग्स डिलीवर कर देते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है व्हीकल की कैविटीज में छुपाना। अब इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड को लेके या फिर वीजा के साथ क्रॉस बॉर्डर व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। इन व्हीकल्स में कुछ इस तरीके के गैप्स में ड्रग्स भर के उन्हें स्मगल किया जाता है। बिकॉज देयर इज अ टिन शीट, नोबडी विल कम टू नो अबाउट दिस कैविटी। द मोमेंट यू लिफ्ट दिस टिन शीट, यू विल रियलाइज दैट द कंसाइनमेंट पैकेट्स आर केप्ट हियर। पांचवी टेक्निक तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डेंजरस है, रिवर क्रॉसिंग। सो फिरोजपुर, अमृतसर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट्स में 20 नदी बहती है जहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है, और रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ पाकिस्तानी स्मगलर्स डायरेक्टली ये नदी क्रॉस करके खुद पर्सनली ड्रग्स इंडिया में डिलीवर करते हैं। लास्ट सिक्स्थ टेक्निक है टनल्स। तो कुछ स्मगलर्स ने ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीक्रेट टनल्स खोल रखे हैं, जहाँ पे नोटेबल बात यह है कि इंडियन स्मगलर्स इन टनल्स में पाकिस्तानी सिम कार्ड यूज करते हैं ताकि वो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से कॉन्टैक्ट भी एस्टैब्लिश कर सके, और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी सर्विलेंस भी ना कर सके, उन्हें ट्रैक नहीं कर सके। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया टुडे के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो बॉर्डरिंग एरियाज के कुछ किसान होते हैं ना, वो भी स्मगलर्स के लिए कुरियर्स का काम करते हैं, जिन्हें बॉर्डर फेंसिंग से स्मगलर्स तक ड्रग पैकेजेस पहुंचाने के लिए पर किलो के पीछे 3,000 से 4,000 रुपए तक मिलते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से तो इस पूरे ड्रग स्मगलिंग में कुछ पुलिस ऑफिसर्स पर्सनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। 2014 से लेकर अब तक करीब 100 पंजाबी पुलिस पर्सनल्स भी ड्रग के मामले में अरेस्ट हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये ड्रग्स मासूम बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाता है। सो मोस्टली यहाँ पे ड्रग डीलर्स यंग लड़के लड़कियों को टारगेट करते हैं, और पंजाबी बच्चे भी इस ड्रग इन्फ्लुएंस में बहुत ही आसानी से इसलिए आ जाते हैं क्योंकि पंजाब का जो म्यूजिक है, पंजाब के मूवीज है काफी सारे, वो इस ड्रग कल्चर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। और ये बात खुद एक ड्रग्स डिएडिक्शन सेंटर के साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अरुण मंसल जी ने बताया। उनका कहना है कि पंजाब में ड्रग्स को, स्मोकिंग को एक बहुत ही कूल चीज जैसा प्रमोट किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से पंच शुक्ला का एक लड़का जो अपने स्कूल में टॉपर था 10th स्टैंडर्ड तक, वो अचानक से अपने कॉलेज में जाकर फेल होने लग गया। जब उसके माँ बाप ने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की, तब पता चला कि इस बच्चे ने कूल बनने के लिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में फिट होने के चक्कर में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। आज अगर आप देखोगे ना तो 75% पंजाबी यूथ पीयर इन्फ्लुएंस के चक्कर में, यानी कि दोस्त के कहने पर ड्रग्स ट्राई करते हैं और उससे एडिक्ट हो जाते हैं। और इसके पास अगर एक इंसान ड्रग्स के ट्रैप में फंस जाता है और उनके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं रहते, तो एडिक्ट लड़के ड्रग्स के लिए पेडलर्स बन जाते हैं। और जो लड़कियां होती है, अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो वो ड्रग्स के लिए प्रोस्टिट्यूशन करने लग जाती है। आज पंजाब में आपको एक से एक ऐसे किस्से मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ इस नशे की वजह से पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया है। होशियारपुर का एक किस्सा ले लो जहाँ पे जीवन लाल जी के तीनों बेटों को ड्रग्स ने हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। मकबुलपुर की एक बूढ़ी माँ के जवान बेटे ने सिर्फ ड्रग्स की हालत में अपनी जान गंवा दी। कहीं कहीं तो सिर्फ 10 रुपए की पन्नियों में बिकने वाली ड्रग्स ने पूरे के पूरे परिवार की जान ले ली है। उसके कारण इनके पति की जान गई और उसके बाद कुछ महीने बाद सिर्फ इनका 21 साल के बेटे की मौत हुई। पंजाब में ऐसे कितने किस्से आपको मिल जाएंगे जहाँ पे जवान लड़के लड़कियों को उनके पेरेंट्स घर पे जंजीर से बांध के रख रहे हैं ताकि वो भाग के कहीं पे ड्रग्स नहीं लेने लग जाए। और न जाने कितने ही घरों में ये ड्रग्स को लेकर रोज गाली गलौज होता है और बहुत सारे लोग तो घर छोड़कर भाग भी जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा बताता है कि इंडिया में ड्रग रिलेटेड क्राइम में पंजाब टॉप करता है। आज हालत ये हो गई है कि जैसे मैंने आपको बताया, पंजाब में हर 7 में से एक आदमी आज एडिक्ट बन चुका है। और जैसे हमने देखा, ऐसा नहीं है कि ये सब कोई इलिटरेट है या फिर अनएम्प्लॉयड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रग एडिक्ट्स में से 89% लोग लिटरेट है और 83% लोग तो एम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब है। आज पंजाब में ड्रग्स की लत में पड़े लोग एक जानवर के जैसे हो गए हैं। आज पंजाब में आपको एक से एक विभत्स किस्से मिल जाएंगे, जैसे एक 20 साल के गुरविंदर सिंह ने बेरहमी से अपनी माँ की जान ले ली सिर्फ क्योंकि माँ उसको नशे के लिए पैसे नहीं दे रही थी। जलंधर में तो एक पति ने अपनी बीवी, अपने बच्चे को और अपने इन-लॉज को, 5 लोगों को नशे की हालत में जिंदा जला दिया। कहीं कोई किसी की जान ले रहा है तो कोई चोरी कर रहा है, तो कोई लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में जा रही है। बेसिकली ड्रग्स के लिए वहां पे किसी भी हद तक जाया जा रहा है। आज पंजाब दूसरे नंबर पे आता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पंजाबी लड़के आर्मी मिलिट्री में भर्ती होते हैं। आज पंजाब ही हमारे देश का अन्नपूर्ण राज्य है, वीट बास्केट ऑफ इंडिया है, जो पूरे भारत को 31% वीट और 21% राइस सप्लाई करता है। और तीसरी बात, इस एक स्टेट से फैलने वाला ये ड्रग्स नाम का कैंसर आज राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में भी फैल चुका है। आई एम वेरी श्योर हमारे देश के आधे से ज्यादा आबादी को इस बीमारी के बारे में खबर तक नहीं होगी। हम तो सोते रह जाएंगे, लेकिन भूलो मत, पंजाब में, हमारे देश में ये ड्रग कल्चर एक कैंसर की तरह फैल रहा है।
इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि हम बीमारी के फैलने से पहले इस बारे में अवेयरनेस फैला सके और पंजाब का स्पेशली पंजाबी यूथ का फ्यूचर बचा सके। इस भैन जी दिया कुछ गल्लां ते बिल्कुल ठीक ने, लेकिन कुछ गल्लां जेड़ियां ने वो बहुत गलत ने। देखो जी, भैन जी का कहना सी कि चढ़दे पंजाब दे विच नशा जेड़ा है बहुत आम है, लोग नशा करके जैम्बीज दी तरह फिरंदे ने। ते ए गल उन्हां दी बिल्कुल ठीक है कि चढ़दे पंजाब दे विच नशा जेड़ा है बहुत आम है। इसे तरह ही लेंदे पंजाब दे विच भी नशा जेड़ा है वो बहुत आम है, लेंदे पंजाब दे विच भी लोग नशा करके जैम्बीज दी तरह फिरदे ने। कोई ओथे टेरी होया है ते कोई ओथे टेरी होया है, लेकिन असी ते नहीं कदी कहा कि जेड़ा नशा है वो टोटल इंडिया तो आउंदा है, टोटल जेड़ा नशा है उस टोटल प्रोपोगंडा जेड़ा है वो इंडिया करदा है। लेंदे पंजाब नू खत्म करन दी जेड़ी कोशिश है वो इंडिया कर रहा है। भैन जी ने टोटल मुद्दा जेड़ा है वो उठा के लेंदे पंजाब पाकिस्तान दे उत्ते पा दिता है। लिंदे पंजाब पाकिस्तान जड़ा है और चढ़दे पंजाब नू बर्बाद करना चाहुंदा है, ये उन्हां दी गल बिल्कुल गलत है। देखो जी, जेड़े चढ़दे पंजाब दे विचों नशे मकाउन दी गल करदे है, पंजाब नू नशे तो पाक करन दी कोशिश करदे है, उन्हां नू ते उठा के जेल दे विच पा दिता जांदा है। ते चढ़दे पंजाब दे विचों नशे कंज खत्म होण, हुण दसो कौन चाहुंदा है कि पंजाब दे विच नशे आउण। देखो जी, भाई अमृतपाल सिंह जी पंजाब दे विचों नशे ही मुकाउणा चाहुंदे ने ते उठा के जेल दे विच पा दिता है। ते देखो जी, हुण भाई अमृतपाल सिंह जी दे छोटे वीर दे उत्ते भी गलत एलीगेशन लगा के, नशे दा एलीगेशन लगा के उन्हां नूं भी जेल दे विच पा दिता गया। भाई अमृतपाल सिंह जी ने जेल दे विचों पैगाम भेजा सी ना कि असी पंजाब दे विचों नशे मकाउण दी पूरी कोशिश करांगे, और जिन्हां ने नशे मकाउण दी कोशिश कीती उन्हां उत्ते ही नशा दे जिहड़े परचे करके उन्हां नूं जेल दे विच पा दिता गया। हुण दसो कि पंजाब दे विचों नशे कौन मकाउणा चाहुंदा है, पंजाब दे विच नशे कौन लियाउणा चाहुंदा है। देखो जी, लेंदे पंजाब दे विच भी लोग बहुत ज्यादा नशे करते ने। चंद दिनां दे विच विच मेरे इस इलाके दे विच कई नौजवान जेड़े है वो नशे दी बेट चढ़ गए। ते की असी कहिए कि वो जेड़ा टोटल जेड़ा काम है साडे यूट्यूबर कहन, साडे इधर दे लोग कहन कि वो नशा चढ़दे पंजाब नूं आउंदा सी, इंडिया नूं आउंदा सी, ये इंडिया दी साजिश है कि वो लेंदे पंजाब नूं खत्म करना चाहुंदे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हुकूमतां ठीक होण, उतों दे लोग ठीक होण और नशे नूं खत्म करना चाहुण, ते मेरा ख्याल है कि ये महीनिया दिन चंद एक दिनों का काम है। नशे दे व्यापारियों नूं ट्रेस करना चंद मिनटों का काम है। पंजाब जिहड़ा है वह नशे तो पाक हो सकता है। भैन जी नूं यह कहना चाहिए सी कि इधर की गौरमेंट नूं चाहिए कि जिहड़े नशे मुकाउणा चाहुंदे ने, जिस तरह के भाई अमृतपाल सिंह जी, उन्हां नूं सपोर्ट किया जाए, उन्हां नूं सपोर्ट किया जाए ताकि पंजाब जिहड़ा है वह नशियां तो पाक हो सके। यह गल बिल्कुल सच है कि चढ़दे पंजाब ते लहिंदे पंजाब की बदकिस्मती है, बदकिस्मती है कि दोनों पंजाबां नूं नशिया ने घेरिया होया है, और कोई भी जिहड़ा भी इन्हां दे खिलाफ नशे नूं खत्म करन दी कोशिश करदा है उन्हां नूं ही खत्म कर दिता जांदा है, उन्हां नूं उठा के जेल दे विच पा दिता जांदा है। भाई दीप सिद्धू जी उन्हूं आपां भुल गए, भाई दीप सिद्धू जी नूं भी उन्हां ने कीता जिहड़ा इसे बेंट जिहड़ा उह चढ़ा दिता गया की सी, पंजाब दे विचों नशे खत्म करना चाहुंदा सी। चढ़दे पंजाब दी ते लेंदे पंजाब दी इस स्टोरी जिहड़ी है उह सेम है कि नशियां दे विच दोनों पंजाब ही बहुत अगे जा रहे ने। बाकी मेरी अल्लाह पाक वाहेगुरु अगे, अकाल पुरख अगे अरदास है कि दोनों पंजाबां दे विचों नशे जिहड़े आ उह खत्म हो जाण, दोनों पंजाब दोबारा तो खुशहाल हो जाण, दोनों पंजाबां दीआं खुशियां नूं जिन्हां दीआं नजरां लगियां अल्लाह पाक उन्हां नूं तबाह बर्बाद कर दे। बाकी वीडियो देख के जो मैनू लगता सी मैं आप जी नूं दस दिता है, जो आप जी नूं लगता है वह मैं कमेंट दे विच लाजमी दसन। ते ए सी मेरी अज दी वीडियो, मिलदे आपां नैक्सट वीडियो दे विच, उद तक मैनू दिओ इजाजत, रब राखा।